प्रेस द बेल आइकन ऑन द YouTube ऐप एंड नेक्स्ट। सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है इंडियाज भारत पे। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम आपके लिए एक इंटरेस्टिंग और एक बहुत ही दमदार वीडियो लेकर आए हैं, जिसमें आप देखेंगे भारत की दो शिक्षित और बहादुर बेटियों को। एक तरफ आप देखेंगे मशहूर पत्रकार अंबर जैदी जी को, जिनकी स्पेशल गेस्ट होंगी भारत की बेटी और सुप्रीम कोर्ट की दबंग वकील नाजिया लाई खान जी। और ये दोनों बहनें मिलके ना सिर्फ मुल्ला मौलवी हो बल्कि जितने भी मजहब के ठेकेदार हैं उनकी पोल खोल के रख देंगी। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी, ये मेरी आपसे गारंटी है कि आपको इस वीडियो में बहुत ज्यादा मजा आएगा। तो इसे अंत तक देखें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके लिए लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग वीडियोस लाते रहें। तो चलिए पहले ये वीडियो देखते हैं और अंत में इसके बारे में बात करेंगे। जय हिंद जय भारत। बड़ी विडंबना और दुख वाली बात क्या है कि जब ये लोग गलत करते हैं तो हमारे ही समाज के लोग इनका बड़ा महिमा मंडन और इनकी बड़ी हिम्मत अफजाई करते हैं कि देखिए क्या हो रहा है, कितना अच्छा किया। इनफैक्ट उस दिन स्टूडियो में जब हाजिर खान ने मुझे धमकाने और गालियां देना शुरू की तो वहां पे बैठी औरतों ने, जब मैंने भी उनको ऑफकोर्स जवाब, जब उन्होंने मेरे साथ बदतमीजी की तो मैं भी उनके ऊपर चीखी, तो मुझे कहते देखो मौलाना के ऊपर चीख रही है। तो मैंने उन लोगों को कहा कि आपको दिखाई नहीं दे रहा कि वो क्या कर रहा है, आपको समझ में नहीं आ रहा कि गलत कर रहा है और आप उसको एटलीस्ट रोकेंगे, भाई आप यहाँ पे क्या कर रहे हो। तो ये सही और गलत का फर्क बिल्कुल मतलब मिट गया है। और जो ये लोग करें, दाढ़ी टोपी लगाएं आप और कुछ भी बोल दें तो भाई आप बहुत पायस हैं, ये जो मानसिकता है और ये ऑल अक्रॉस द ग्लोब सारे ही मुसलमानों की है। मैं आपको, क्योंकि मैं आपसे उम्र में बड़ी हूँ और तजुर्बा मेरा, मैंने क्योंकि बहुत पास से और आपसे थोड़ा ज्यादा देख लिया जिंदगी को और बहुत धक्के खाई हूँ, बहुत बहुत डिफेम और मलाइंग हुई हूँ। कभी मेरा तीन पति बोल दिया जाता है, कभी मुझे कुछ कुछ और तरीके से मलाइंग किया जाता है। तो मैंने बहुत जंगे लड़ी हैं अपनी आइडेंटिफिकेशन के लिए, अपने रिस्पेक्ट के लिए। ये वो महिलाएं हैं जो किसी ना किसी ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ी रहती हैं, ये वो हिजाबन महिलाएं हैं जो मुस्कान की तरह किसी ना किसी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन की मेंबर होती है, जो पैसे के कारण, जो पैसे की लालसा से, जो पैसे की लालच पे ऐसे ऐसे अभद्र बदतमीज बेहुदा मुल्लाओं का समर्थन करती है। ये उनकी मजबूरी है, ये उनकी मजबूरी है। अब आप सोचो कि जो पढ़े लिखे नहीं है, हम क्या है, हम पढ़े लिखे हैं, हम खुद कमाते हैं, खुद अपनी जिंदगी को चलाते हैं, हमें किसी के तलवा चाटने की जरूरत नहीं है। मैं एक पॉलिटिकल पार्टी का हिस्सा हूं, अगर मुझे पॉलिटिकल पार्टी हटा भी दे तो मेरा क्या बिगड़ने वाला है, मेरा तो कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। मैं क्या कभी पॉलिटिकल पार्टी का एक तमगा लेकर के कभी अपना इंट्रोडक्शन देती हूं, नहीं, मेरा नाम काफी है मेरे इंट्रोडक्शन के लिए। लेकिन वो महिलाएं जिनका कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं है, जिनके पास शिक्षा नहीं है, तो ऐसी ऐसी जाहिल महिलाओं को, हिजाबन को जिहादन बनाने के लिए हर एक एनजीओ, बहुत सारे ऐसे एनजीओज हैं जो अपने ऑर्गेनाइजेशन में उनको जोड़ते हैं और उसके बाद फिर टुकड़े टुकड़े गैंग वाला काम करवाते हैं। अच्छा, किसको पता था कि मुस्कान जो है वो अलकायदा की मेंबर है, किसको पता था? अभी किसको पता था कि बंगाल में और महाराष्ट्र थाने से एक मॉडल अरेस्ट हुई है जो पॉर्न मूवी का काम करती थी और वो बांग्लादेशी थी, जमात इस्लामी से उसका था, वो मुसलमान थी, हिंदू ना और क्रिश्चियन नाम रख करके घूम रही थी, किसको पता था? किसी को पता नहीं था। तो ये जो बायस्ड होकर के बात करती है ना, तुमने मौलाना को ऐसा बोल दिया, उसी वक्त समझ लीजिएगा कि मौलाना उसको दो सुख दे रहा है, एक सुख जो मैं बता नहीं सकती और दूसरा सुख पैसे का। तो जाहिल औरतों के लिए जो इस तरीके की ऑर्गेनाइजेशन में मौलानाओं का समर्थन करती हैं, उनका बहुत क्रिस्टल क्लियर कल्चर है। अब इसीलिए तो उनको फिर हिजाब पहनना पड़ता है। हिजाब क्यों पहनना पड़ता है? अपनी शराफत दिखाने के लिए पहनना पड़ता है कि हम बहुत शरीफ हैं। अदरवाइज अगर हम किसी अगर हिंदू हिंदुओं के साथ बैठे हैं या किसी क्रिश्चियंस के साथ बैठे हैं, हमारा ऑरा और हमारा नेचर नंबर क्या है कि अगर हिंदुओं के भीड़ में भी किसी लड़की को डिफेम किया जाएगा, हम तुरंत बोल देंगे कि भाई ये गलत हो रहा है, दिस इज वेरी रॉन्ग एंड वी कांट एक्सेप्ट इट। हम बोल देंगे, हम नहीं सोचेंगे कि हम मुस्लिम हैं, हम इनके बीच में क्यों बोलेंगे। हमको बोलना, हमारी आदत है सच बोलने की, हमारी बहुत बड़ी मजबूरी है सच बोलने की। और यही वजह है कि कभी तुम गाली सुनती हो मुल्लाओं से और कभी मैं गाली सुनती हूँ मुल्लाओं से। तो लेकिन ये जो होती है ना, ये बड़ी बायस्ड होती है
और इनको पता होता है कि जब ये बायस स्टेटमेंट देंगी और मौलानाओं के पक्ष में देंगी तभी इनको दो सुख मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। लेकिन ये जो मानसिकता बढ़ती जा रही है आए दिन और खुद को मजलूम बेचारा समझते हैं और हर गलत काम एकदम बढ़ चढ़ कर करते हैं, जब सुधार की बात आए तो सब इकट्ठा होकर सड़क पे उतर आते हैं, चाहे हम शाहबानों से लेकर आज भी बात करें, ट्रिपल तलाक पे भी होता था, CNRC हुआ तब भी हुआ, आज वक्त अमेंडमेंट बिल आया तब भी यही हो रहा है। तो सुधरने के लिए आखिर क्यों तैयार नहीं होता मुस्लिम समाज? सुधार के नाम पर एक ऐसे लकीर के फकीर बन जाते हैं कि नहीं सुधार तो बहुत गुनाह है, हम सुधार नहीं कर सकते। फिर मैं कहूँ इनफैक्ट एक बात और, अभी मैंने एक ताजा रिपोर्ट पढ़ रही थी, MBS सलमान ने मक्का में सारे इमामों के ऊपर बैन लगाया है कि वो किसी भी तरह से फलस्तीन से रिलेटेड कोई भी बयान नहीं लगा सकते हैं। उन्होंने कहा है कि हमारे मक्का मदीना में मस्जिदों में किसी भी तरह का पॉलिटिकल नारेबाजी बिल्कुल बैन, नहीं है हमारे यहाँ राजनीति करने की इजाजत। तो वो लोग तो इतने सुधर रहे हैं, यहाँ पे सारा सब कुछ यहीं पे करना है उनको और फिर भी मजलूम बने रहना है। नहीं देखिए, मोहम्मद बिन सलमान बहुत ही ज्यादा इस्लामिक है और देखिए आज भी अरब में इस्लामिक पनिशमेंट ही माना जा रहा है, किसी तरीके का दूसरा या नया कानून नहीं लाया जा रहा है, इस्लामिक पनिशमेंट जो अल-कुरान कह रहा है और जो शरिया कह रहा है उस हिसाब से ही पनिशमेंट दिया जाता है। और वाकई में इबादत करने वाले, इबादत कराने वाले और इबादत गाह में सियासत कर क्या रहा है, सियासत कर क्या रहा है? अब आती है बात कि ये जो मौलाना लोग टपक करके ये चैनल से वो चैनल, वो चैनल से वो चैनल, वो चैनल से वो चैनल, मेंढक की तरह तो जो खुदकते रहते हैं, तो दिन भर में भाई साहब आप लोग तो 8 घंटा 9 घंटा चैनल में बैठते रहते हैं और इनवेलप लेते रहते हैं, तो आप वक्त पर अपनी नमाज कब पढ़ते हैं, कब पढ़ते हैं? मैं आपको वो लेटर भेज दूंगी जो मैंने साजिद रशीदी के ऊपर केस किया है, इवन मैं लेकर, अच्छा यही वो पेपर है, मैंने साजिद रशीदी के ऊपर जो केस किया है मैंने अपने प्रेयर में लिखा है जज के लिए, मैंने अपने प्रेयर में साफ लफ्जों में लिखा है कि ये एक ऐसे कस्म का मौलाना है जो आपको मस्जिद से अरेस्ट नहीं करना पड़ेगा, न्यूज स्टूडियो से अरेस्ट करना पड़ेगा, ये मस्जिद में मिलेगा ही नहीं आपको। तो अब आप सोचिए कि ये मुसलमान और मुसलमान समाज के लिए कितनी बड़ी दुख वाली बात है कि हमारे इस्लामिक स्कॉलर, हमारे मौलवी, हमारे मुल्ला, हमारे मुफ्ती, हमारे इमाम का एक टीम है जो मस्जिद जाता ही नहीं है, जो न्यूज स्टूडियो जाता है, जिसको मस्जिद से कोई लेना देना नहीं है, जिसको न्यूज स्टूडियो से लेना देना है। रमजान में आप सोचो कि रमजान में ये लोग, हाँ मैं तो भाई कैंसिल कर देती हूँ अफ्तार से एक घंटे पहले की जो भी मतलब मुझे न्यूज के लिए आता है कि डिबेट पर आप बैठ जाइए, मैं डायरेक्ट बोलती हूँ कि अभी मेरे अफ्तार का वक्त है, मैं बैठ ही नहीं सकती, ना तो बोला जाएगा क्योंकि आखिरी का जो लम्हा होता है वो थोड़ा सा बहुत टफ होता है, चिल्ला भी नहीं सकते, थोड़ा सा तब तक बोल सकते लेकिन शाम आते आते एनर्जी खत्म हो जाती है बिल्कुल, तब क्रिस्टल क्लियर बोल देती हूँ कि नहीं भैया अभी नहीं, इफ्तार के बाद आप बोलते तो मैं जरूर बैठ जाती। लेकिन भाई साहब, अच्छा मेरे बंगाल में जब मैं होती हूँ तो यहाँ पर 10-12 मिनट का डिस्टेंस होता है वहां की अजान में और यहाँ की अजान में, मैंने मुल्लाओं को खुद देखा है कि भाई मैं तो 12 मिनट के डिस्टेंस में बैठ गई हूँ लेकिन वहां अजान हो रही है दिल्ली में और वो स्टूडियो में बैठा हुआ है, वो आराम से बैठा हुआ है। तो इसका मतलब क्या है ना, इनको रोजे से मतलब है, इफ्तार मिल जाता है, लंच डिनर होता है, सब कुछ होता है उनके लिए। तो भाई देखिए, देखो हम लोग साधारण मुसलमान हैं, हम लोग कोई प्रीचर, क्लिरिक, मौलवी, मुल्ली, मुफ्ती हम लोग नहीं है, तो अगर हम कर ले तो चलेगा, लेकिन जो जिनके ऊपर ठेकेदार का टैग लगा हुआ है भाई, उनको तो बहुत सारी आयतें पढ़नी होती है, जैसे मेरी अम्मा वो किचन छोड़ देती है 45 मिनट पहले इफ्तार से क्योंकि उनको बहुत सारी आयतें पढ़नी होती हैं, बहुत सारा दुआएं पढ़नी होती है, और तकरीबन 15 मिनट पहले वो इफ्तार पे बैठ जाती हैं, जबकि मैं कभी बोल भी देती हूँ सारा सामान ठंडा हो गया अम्मा तुम पहले ही पूरा लगा देती हो, सब कुछ ठंडा हो जाता है, तो नहीं बहुत सारी चीजें पढ़नी होती है बेटा, तो इसलिए मैं पहले ही सर्व कर देती हूँ। तो जो क्लेरिक है वो कैसे हम स्टूडियो में इफ्तार कर लेंगे भाई, बिना वजू के, बिना हाथ पैर धोए,
बिना कुछ मतलब पूरे पूरे एहतराम के साथ अफ्तार पे बैठे तुम कैसे बैठ जा रहे हो? इसका मतलब है कि तुम चिटिंगबाज मुसलमान हो, तुम मुल्ला हो ही नहीं। बिल्कुल, ये यही मैं कहने वाली थी और आपने खुद बोल दिया। और उम्मीद करते हैं कि देश हमारा और खासतौर से जो मुस्लिम समुदाय है जो इन लोगों को मौलाना समझता है वो ये समझे कि ये लोग किस तरह से आपको ठग रहे हैं और ये देश के साथ साथ आप लोगों का बहुत बड़ा नुकसान कर रहे हैं, क्योंकि हम यहीं के वासी हैं, हमें यहीं पर रहना है और अगर इन लोगों की वजह से देश और समाज को नुकसान होता है तो मुझे लगता है कि इससे बड़ी बेवकूफाना कोई बात नहीं हो सकती कि आप इस तरह के लोगों की हरकतों पर आंखें मूंद कर बैठे रहें और उनको इसी तरह से पनपने दें। उम्मीद करते हैं कि इन लोगों को लेकर कोई बड़ा कदम उठाया जाए, कोर्ट कोई स्वतः संज्ञान ले, कोई ऑर्गेनाइजेशन, कोई लीडरशिप, कुछ इनके ऊपर कोई तो लगाम लगाए, क्योंकि ये बिल्कुल बेसर के क्या बोलते हैं, बेसूंड के हाथी बिल्कुल ऐसे बने जा रहे हैं, रौनते जा रहे हैं सबको और इन पे कोई कदम नहीं उठाया जाता। इसीलिए इन लोगों में इतना कॉन्फिडेंस बढ़ता जा रहा है कि इनका कुछ कोई बिगाड़ नहीं सकता। नाजिया, बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए। नमस्कार। दोस्तों, आशा करता हूँ कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और हमेशा की तरह अंबर जैदी जी और नाज़िया लाई खान जी का पूरा डिस्कशन आपको काफी पसंद आया होगा और इस वीडियो में आपको बहुत कुछ जानने को मिला होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें और अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। और एक बार फिर, चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके लेटेस्ट इंटरेस्टिंग और दमदार वीडियोस लाते रहें। तो चलिए फिर मिलेंगे ऐसी किसी जबरदस्त और मजेदार वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।